हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन उपाध्याय। यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ जेईई मेंस 16th ऑफ मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोज रिलेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यूई एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी UB in electromagnetic wave. So my dear, electric field energy density is 1 upon 2 epsilon naught E square and magnetic field density is 1 upon 2 B square upon mu naught. And the relation E and B is E is equal to CB. Here C is the speed of light in vacuum. This is the 1 upon mu naught epsilon naught B. Square on both sides, E square is equal to 1 upon mu naught epsilon naught B square. अब अपन ट्रांसपोज कर देते हैं साइलेंट नॉट को, तो ये हो जाएगा साइलेंट नॉट ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा अगर 1 अपॉन 2 एफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर एंड इन राइट साइड 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यू ई एंड this is the magnetic field density UB. It means UE is equal to UB and option C is the correct option. अब चलते हैं अपन second question पर, और second question जो हमने लिया वो है relation between the voltage, current and resistance is R is equal to V upon I. measured value of voltage is 50 plus minus 2 volt and measured value of current 20 plus minus 0.2 ampere. Find out the percentage error in resistance measurement. So अपन को relation पता है R is equal to V upon I. अब अगर हम percentage error लेते हैं R में, then delta R upon R into 100 is equal to plus minus percentage error in B. So percentage error in B delta B upon B into 100 plus percentage error in I. So delta I upon I into 100. So percentage error जब हम बात कर रहे हैं वोल्टेज में, तो यहाँ आप देखोगे डेल्टा V है अपना 2 और V 50, तो 2 अपॉन 50 इनटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I, डेल्टा I की वैल्यू 0.2 एब्सोल्यूट एरर है इसमें और I इसकी एक्चुअल वैल्यू है 20 इनटू 100। इसे अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी अपनी कितनी, 4 प्लस दिस वैल्यू इज 1 एंड द एरर परसेंटेज एरर इज 5% प्लस माइनस 5% डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन, द आंसर इज प्लस माइनस 5%। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ पावर थ्रू द डायोड इज पी देन राइट द वैल्यू ऑफ 10p। तो यहां दे रखा है एक सर्किट डायग्राम जिसमें है जीनर डायोड वर्किंग ऑन 15 वोल्ट एंड पावर सप्लाई इज 22 वोल्ट। जीनर डायोड इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स वाइज, और रिवर्स वाइज में यूज करने के लिए पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पावर सप्लाई का ये वाला जो एंड है वो हो गया नेगेटिव और ये वाला एंड पॉजिटिव। करंट फ्लो हमने यहाँ पर आई अगर लेते हैं आगे इस सर्किट में, करंट अगर मैं मान लेता हूँ आई वन और इधर आई टी, ठीक। तो ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट।
अब हम आईडी की वैल्यू निकालेंगे और उससे हम निकालेंगे पावर डेसिपेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं लूप सी ई एफ डी या डी सी ई एफ डी, के वी एल इन डी सी ई एफ डी, देन -15 +90 आई वन इज इक्वल टू जीरो, और यहां से आई वन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15/90 यानी कि 1/6 एम्पियर। अब हम केवीएल अगर लगा देते हैं ए ई एफ बी के वी एल आंसर हमको कह रहा है 10p की वैल्यू, तो 10p की वैल्यू हो गई 5, तो आंसर इज 5। अब हम एक बार देखो लास्ट लाइन आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है, ओके इजी गोइंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहां पर सिंपल पेंडुलम अटैच्ड टू अ सीलिंग ऑफ लिफ्ट हैज टाइम पीरियड टी व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, फाइंड इट्स टाइम पीरियड व्हेन लिफ्ट इज स्टार्ट एक्सीलरेट अपवर्ड विद एक्सीलरेशन जी अपॉन टू। तो जब लिफ्ट रेस्ट में है, जब लिफ्ट लिफ्ट कैसे है? रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है, तब रेस्ट पोजीशन इट मींस वी जीरो, तब टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन। अब अगर लिफ्ट करने लगती है मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन जी अपॉन टू, ठीक। तो अब टाइम पीरियड में मान लेता हूं टी डैश 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए, ओके। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, और जी प्लस ये 3 सॉरी जी अपॉन 2, ए की वैल्यू जी अपॉन 2। तो यहां से जो टाइम पीरियड, अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट इसको 3 अपॉन 2 2 2 एल अपॉन 3 जी, इसका मतलब टी डैश इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2/3 टी, अंडर रूट 2/3 टी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक गिवन मास एम एज शोन इन फिगर। ब्लॉक ऑफ मास एम एंड द फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ रफ सरफेस इज म्यू फोर्स एफ एट एंगल थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे फोर्स कौन कौन से वर्क कर रहे हैं इस पर। तो इसका मास, इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अर्थ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, एफ के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया एफ कॉस थीटा,
थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द मोशन एफ आर, एक्सीलरेशन में लिख रहा हूं इसका ए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो अपन इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो रहा है एक्सीलरेट। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी n इज इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा। इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अब लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम यूज करते हैं तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर अपॉन एम, एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर अपॉन एम। एफ आर होता है अपना म्यू एन, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन अपॉन एम। एन की वैल्यू हम यहां से लगा देते हैं तो ये हो गया एफ कॉस थीटा माइनस म्यू, एन की वैल्यू है हमारी एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एम। एम से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ए जो है वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम माइनस म्यू जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो है इफ अ कैपेसिटर सी नॉट हैज अ प्लेट एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन डी, नाउ अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो हम यहां देख रहे हैं हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की प्लेट इंसर्ट करती है जिसकी जो थिकनेस है 3d/4, तो ये जो थिकनेस बची वो d/4 है राइट। तो ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये सी नॉट या अपन c1 और ये c2। तो c1 की जो वैल्यू है वो हो गई साइलेन नॉट a अपॉन d/4 और c2 के साइलेंट नॉट ए अपॉन 3d/4। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सी जो इक्विवेलेंट है c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो जो सी इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हो गई 4 साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, 4 साइलेंट नॉट ए अपॉन डी इनटू c2 की वैल्यू 4k silent not a upon 3d और अपॉन c1 प्लस c2 4 silent not a upon d प्लस 4k silent not a upon 3d। तो अगर मैं यहां पर 4k साइलेंट नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 3d स्क्वायर और यहां अगर कॉमन ले लेता हूं क्या 4 साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, तो यहां वैल्यू जो बचेगी वो होगा 1 plus k upon 3 राइट, 1 plus k upon 3। तो ये 16 हो जाएगा यहाँ। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है 4k साइलेंट नॉट ए अपॉन 3d और ये यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो 1 plus k upon 3। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पे 3 और
कैंसिल आउट कर सकते हैं, कॉमन लेके जो 3+k हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा अपना जो फाइनली c की जो वैल्यू मैं देख रहा हूँ वो हो जाएगा अपना 4k साइलेन नॉट a अपॉन d, और ये वैल्यू हो जाएगी 3+k। ठीक, तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी फेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो माय डियर, जैसे कि अपन जानते हैं फाइ इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। फाइ इज इंसिडेंस एनर्जी एच न्यू, और ये वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, और ये होता है ई वी नॉट। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट हो गया एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब अगर हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, तो इस लाइन पे अगर मैं लेता हूँ फ्रीक्वेंसी न्यू, और यहां पे हम लेते हैं अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, तो वो ग्राफ देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और इंटरसेक्ट होगा इसका नेगेटिव लाइक दिस, तो ये हो गया म्यू नॉट। तो यहां पे ये जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क एंड हीट आर द फंक्शन ऑफ पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव फंक्शन। तो वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फोर स्मॉल बॉल्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल। इवेल्युएट द मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी डी। तो दिस इज द लाइन बी डी, और हमें मूवमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है पैरेलल टू लाइन बी डी एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए। तो ये जो लाइन बी डी है ये सेंटर मास से जा रही है, क्योंकि हमारा बैलेंस्ड सिस्टम है तो इसका सेंटर मास मिडिल में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ICM, अगर मैं इसका पूछता हूँ आपसे ICM, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया जीरो, और इन इस पॉइंट C और पॉइंट A की अगर बात करूँगा तो m a अपॉन रूट टू का स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा m a अपॉन रूट टू का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया टू एम ए स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, यानी कि एम ए स्क्वायर। साइड अगर मैं ए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर एल लगा देंगे। ओके, अब अपन चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस एक्सिस। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई इज इक्वल टू आई सी एम हमने निकाला एम ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा मास, टोटल मास 4m, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होएगा वो हो जाएगा a अपॉन रूट टू, a अपॉन रूट टू इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपनी बन जाएगी कितनी 4m a स्क्वायर, और ये हो गया अपना कितना 4m a स्क्वायर अपॉन 2, इट मींस 6m a स्क्वायर अपॉन 2। तो वैल्यू आ गई अपनी कितनी I इज इक्वल टू क्या 3m a स्क्वायर, 3m
इस बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थ्री गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग मास 16 ग्राम 28 ग्राम एंड 44 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर फिल इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी। इवैल्यूएट द टोटल प्रेशर एट टेम्परेचर टी। तो हमें प्रेशर निकालना है टेम्परेचर टी पर। सिंपल हम लगा सकते हैं पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब एन जो है वो है अपना एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आर टी अपॉन वी। एन वन एन टू एन थ्री इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गिवन गैसेस। तो पी एन वन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन एम अपॉन एम नॉट एम अपॉन एम नॉट। तो एम की जो वैल्यू है एम वो 16 ग्राम है अपॉन एम नॉट। हम ऑक्सीजन के लिए लेंगे कितना 32 प्लस नाइट्रोजन के लिए 28 अपॉन 28 और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा है कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 और 12 44 अपॉन 44 ठीक आर टी अपॉन वी। तो ये अपना हो गया कितना 1 अपॉन 2 1 1 यानी कि 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 1 2 हो गया तो 2 2 जा 4 4 1 5 5 अपॉन 2 आर टी अपॉन वी। बोलो पी कितना आ गया 5 अपॉन 2 आर टी अपॉन वी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट थ्रू 5 किलो ओम इन एक्स मिली एम्पियर देन द इवैल्यूएट ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इवैल्यूएट करनी है। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये जो सर्किट है यहाँ पर करंट आई अगर मैं मानता हूँ ये तीनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 तो ये 3 अपॉन 3 यानी कि ये वैल्यू जो है हमारी पैरेलल में अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो 1 ओम हो जाएगा 1 किलो ओम। तो यहाँ पे सिंपल अपन लगा देते हैं I इज इक्वल टू हमारा हो गया V अपॉन R। तो टोटल जो वोल्टेज है वो हमारे हो गए 21 और यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो 5 प्लस 5 किलो ओम और ये हो गया 1 किलो ओम और एक और ये वाला हो गया 1 किलो ओम। तो टोटल अपना ये जो I है वो हो जाएगा कितना 21 अपॉन 5 और 2 7 7 इंटू 10 की पावर 3। तो इसका मतलब ये हो गया I इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा 3 मिली एम्पियर ये माइनस 3 हो जाएगा और ये ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिस्क ऑफ मास 2 केजी एंड रेडियस 0.2 मीटर इनिशियली एट रेस्ट फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन अचीविंग एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां हम देख रहे हैं इसकी जो रेडियस है। अब अगर हम देखते हैं जैसे ही हम इसको फ्री करेंगे तो ये क्या करेगा रोटेट करता है अल्फा से अगर तो हम देखते हैं टाओ इज इक्वल टू हो जाएगा अपना आर क्रॉस एफ राइट। तो टाओ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा और ये आर एफ साइन 90 आई एम आर स्क्वायर अपॉन 2 डिस्क है अल्फा और ये आर एफ। अब एम की वैल्यू हमें दी है 2 आर स्क्वायर यानी 0.04 अपॉन 2 अल्फा आर है ना। आर अपना कितना रेडियस इसकी 0.2 इंटू एफ 20 न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारी 2 से 2 कैंसिल हो गई है अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.40 ये वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 4 और ये 0.04 तो हमारा ये आ गया 100 अल्फा की वैल्यू ठीक है 100
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा ये हमें दे रखा है कितना 50 रेडियन पर सेकंड, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 और ओमेगा नॉट 0 प्लस 2 अल्फा थीटा, अल्फा की वैल्यू है 100 थीटा, तो थीटा हमारा कितना हो गया 25/2 यानी कि 12.5 रेडियन। ठीक, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर अपन बनाएंगे तो थीटा अपॉन टू पाई 12.5/2 और ये 3.14, तो जो अप्रोक्स रिवॉल्यूशन आपके निकल के आ जाएंगे वो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 2 के। अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रिवॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एंटीना लेंथ 25 मीटर इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 75 मीटर, देन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिशन। तो वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिशन जो है, तो हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वेवलेंथ अपॉन 4k। तो हाइट ऑफ एंटीना 25 मीटर है अपना और ये ग्रेटर देन लैम्डा बाय 4 यानी कि लैम्डा लेस देन होना चाहिए 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर। तो देखो जरा इसका है ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा कितना, 100 मीटर से कम होनी चाहिए इसकी हाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग रिलेटिव मोशन हैज इट्स वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज शोन इन ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, ड्रॉ द एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो 0 to 200 मीटर। ठीक, तो जो एक्सीलरेशन होगा वी डी वी ओवर डी एस, अगर अपन देखते हैं तो ए वी डी वी अपॉन डी एस, डी वी हमारा हो गया कितना 50 - 40 और डिस्टेंस हो गया 200। तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये 50 - 10 डी वी हो गया यानी 40 और ये 200, तो ये जो ए है वो अपना आ रहा है कितना, इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये वैल्यू अपनी बन जाएगी कितनी 0.2V, राइट। अच्छा, जो अब अगर अपन देखते हैं ए की जो वैल्यू है 0.2V, वी के संग क्या करेगी, वैरी करेगी, वी की वैल्यू वैरी कर रही है 10 to 50, तो ये वैल्यू भी वैरी करेगी। ठीक है, अब अगर अपन 200 मीटर से देखते हैं 400 मीटर तक, तो ए अगर मैं देखूं वी डी वी ओवर डी एस, तो इसका जो स्लोप है वो है 0, इसका स्लोप है 0 और इसका स्लोप 0 है, इट मींस एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। तो अब अगर मैं ग्राफ डालता हूँ काय में ए में और एस में, इधर ए लेता हूँ और इधर ले लेता हूँ, सॉरी ए और इधर एस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना 200 और 400। तो जो मेरा ग्राफ है वो कैसा आना चाहिए, जल्दी फटाफट से बता कैसा ग्राफ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कितना एक्सीलरेशन था 0.2V, वी की वैल्यू कितनी है 10 है, और वी की वैल्यू अगर 10 है तो इट मीन्स वी की वैल्यू अगर 10 है तो ये 10 से कितना हो जाएगा स्टार्टिंग में 2 हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए एक्सीलरेशन मेरे हिसाब से, और फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो हमारा एक्सीलरेशन एक सेकंड, तो अब हमारा जो एक्सीलरेशन है वो वी 50 × 5 × 10 यानी कि यहाँ पे 10 तक हमारा वेरी करेगा, 2 से कहाँ तक वेरी करेगा 10 तक, और उसके बाद अगर अपन देखेंगे 200 से यहाँ तक, तो हमारा ग्राफ
यहाँ नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन देखो उसमें, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा अपना जीरो, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है 15, इफ द रेजिस्टेंस लेस रॉड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई वन एंड आई टू इन रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू। तो इसमें जो करंट है वो और इसमें जो करंट है वो, उसका डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे यहाँ पर फ्लेमिंग्स लॉ से अपन जो ईएमएफ है उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो ईएमएफ जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन एंड द मूव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो थंब है वो पॉजिटिव, ये प्लेट का पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एंड है तो करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना आई वन और ये हो जाएगा आई टू का डायरेक्शन, ठीक है। और ये हो गया अपना आई वन का डायरेक्शन, आई वन अपना ऐसे और आई टू अपना ऐसे। तो मैं यूं कहूं कि जो आई वन है वो है क्लॉकवाइज, आई वन है अपना क्लॉकवाइज और आई टू है एंटी क्लॉकवाइज। ओके अब आगे चलते हैं अपन इसमें, हमसे ये देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एक लॉजिक सिस्टम दिया हुआ और इस लॉजिक सिस्टम में अपने पास कई सारे गेट दिए हुए हैं ना। तो ये हमारा नॉट गेट है, ये और गेट है और ये है एंड गेट और ये भी है एंड गेट। ओके अब देखते हैं यहां से सिग्नल अगर मैं ए मानता हूं तो ये हो गया ए, और यहां पे भी ए सिग्नल हो गया। बी से चलते हैं तो ये नॉट गेट आ गया, तो यहां पे हो गया बी इनवर्स यानी बी बार, और ऊपर जाएंगे तो एक और, तो बी डबल बार, तो यहाँ पे बी डबल बार हो गया, ठीक है। तो और गेट जो होता है वो और गेट अपना ऐड करता है, तो अपना ये हो गया ए प्लस बी डबल बार, ठीक। यहाँ से अगर अपन आगे बढ़ेंगे, अच्छा एक यहाँ नॉट और लगा हुआ तो होल बार हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो एंड गेट है, एंड गेट अपना क्या करता है, एंड गेट इंटू करता है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी बार, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये हो गया होल बार, ठीक है। एंड गेट वापस से इसने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी डबल बार का होल बार इंटू ए इंटू बी बार का, ठीक है। अब हम यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ए प्लस बी डबल बार है और इसका होल बार है इंटू ए इंटू बी बार का होल बार है। इसमें डिमॉर्गन्स लगाएंगे, उससे पहले काम करता हूँ, बी डबल बार हट जाएगा ये, तो ए प्लस बी बार हो गया, डबल बार हट गया है ना, इंटू ए बार प्लस इसमें मैंने डिमॉर्गन्स लगा दी। ओके इसमें डिमॉर्गन्स लगा दो तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार और इंटू ए बार प्लस बी। अब क्या हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं, ए की जगह हमें रखना है कितना, जीरो, और बी की जगह रखना है वन। तो रखो जरा, ए की जगह जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई वन इंटू वन की जगह ये बनकर जीरो बन गया, इंटू ए की जगह हमारी वैल्यू कितनी हो गई देखो जरा। तो ये ए बार यानी कि वन और बी की जगह, तो ये वैल्यू हो गई हमारी जीरो इंटू वन यानी कि वाई आ गया अपना जीरो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो यहाँ 16 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट 17 टू 30 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो माय डियर, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।